हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो आज हम लोग जो आर्टिकल द होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ पर नहीं होता है, तो इस वीडियो से रिलेटेड ऐसे ही बातें करेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको आज की क्लास में पढ़ाएंगे द का प्रयोग कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि जो द का प्रयोग होता है, पहला पॉइंट द का प्रयोग दा का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले करते हैं। ठीक है भाई, दा का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले करते हैं। जैसे कि आपसे बताऊं कि हिमालय, हिमालय एच आई एम ए वाई हिमालय, हिमालय हिमालय के आगे दा का यूज़ होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? जबकि, लेकिन इसका एक पॉइंट भी है, जबकि पॉइंट कौन सा है, पर्वतों के नाम के पहले, जबकि पर्वतों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनके नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि द माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत है, इसके नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। वैसे अगर आप देखें तो कंचनजंघा नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। वासन मारे कि नहीं? चले, तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, नदियों कामा सागरों कामा झरनों आदि के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। अगर आप ध्यान से देखें दा का प्रयोग कैसे, जैसे अगर मैं लिखूं कि दा गंगा, तो ये क्या है, सही, क्योंकि नदी है, नदी के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। अगला देखिए, दा सागर, मान लीजिए दा मैं बोलूं दा पैसिफिक ओशियन, दा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, इसके नाम के पहले दा का प्रयोग होगा। उसके बाद दा जोग वाटरफॉल्स, मान लीजिए जोग झरना है, तो इसके आगे दा का प्रयोग होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ऐसे ही है, तो भी है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।